असुर लोग आकर के रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो आसुरी शक्तियां वहां आकर के विद्यमान हो जाएंगी, दैवी शक्तियां वहीं नहीं आ सकेंगी। तो ध्वज तो शिखर के ऊपर ही चढ़ाया जाएगा, शिखर अभी बना नहीं इसलिए ध्वज भी नहीं लग सकता। तो बिना ध्वज के मंदिर में प्रतिष्ठा करने का परिणाम ये होगा कि ध्वजहीन असुरावासम इच्छन्ति ध्वजहीन सुरालय, जो ध्वजहीन सुरालय है उसमें असुर आकर के रहने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिना ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे तो असुर की प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम तो सुर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देवता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसी तरह से विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, ततो ध्वजस्य विन्यासः कर्तव्यः पृथ्वीपते असुरावासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालये। इसीलिए मंदिर पर जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाए तब उसमें मंदिर में प्रतिष्ठा करे और फिर ध्वजा लगाए। ध्वजहीन जो शिवाल देवता का मंदिर होता है उसमें असुरावासम इच्छन्ति, असुर लोग आकर के रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो आसुरी शक्तियां वहां आकर के विद्यमान हो जाएंगी, दैवी शक्तियां वहीं नहीं आ सकेंगी। तो ध्वज तो शिखर के ऊपर ही चढ़ाया जाएगा, शिखर अभी बना नहीं इसलिए ध्वज भी नहीं लग सकता। तो बिना ध्वज के मंदिर में प्रतिष्ठा करने का परिणाम यह होगा कि ध्वजहीन असुरावासम इच्छन्ति ध्वजहीन सुरालय, जो ध्वजहीन सुरालय है उसमें असुर आकर के रहने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिना ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे तो असुर की प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम तो सुर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देवता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इसी तरह से अन्यत्र भी कहा गया है, ये जो है विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये लिखा हुआ है। इसी तरह से अन्यत्र कहा गया है कि ध्वजारोहम प्रवक्ष्यामी ये न भूतादि नश्यति। ध्वजारोह से भूत नष्ट होते हैं, माने आसुरी शक्तियां नष्ट होती हैं, और अगर वो न रखे तो आसुरी शक्तियां आ जाती हैं। आग्नेय पहां पुराण कह रहा है, प्रासादस्य प्रतिष्ठां तु ध्वज रूपेण मे श्रृणु, ध्वजं कृत्वा सुरैर्दत्या जिताः शस्त्राधि चिन्हितम्। हम प्रासाद की प्रतिष्ठा में ध्वज को अनिवार्य बता रहे हैं। अगर ध्वज का की अनिवार्यता ये है कि ध्वज के कारण ही देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी, अगर ध्वज नहीं होता तो उनकी विजय ना होती, इसलिए ध्वज महत्वपूर्ण है। तो ध्वज ही महत्वपूर्ण है, ये अग्नेय महापुराण लिखा हुआ है, अग्नेय महापुराण में ये बिल्कुल लिखा हुआ है।